नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम कर रहे हैं वेब सीरीज आधा इसका रिव्यू जो हम वूड सेलेक्ट में देख लिए हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, इतना जोर का गर्मी पड़ रहा है, ऐसे में आधा इश्क जो है वो कश्मीर की बर्फीली वादियों में शूट हुआ है, तो एकदम देखकर कलेजे को ठंडक मिला। कलाकारों की यदि बात करें तो अहम भूमिका में है आमना शरीफ और उनका साथ दे रहे हैं गौरव अरोरा, और साथ में है प्रतिभा रांता और अपना कुणाल रॉय कपूर, और इन सभी लोगों ने बेजोड़ एक्टिंग किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमको भाई बात वो है गौरव अरोड़ा की जो आवाज है ना, ओहो दिल में उतर जाता है। तो बहुत अच्छा बेटा, जुग जुग जियो। तो कहानी जो है वो सिंपल है, लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप ड्रामा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम आपको बताते हैं। तो होता यूं है कि आमना शरीफ का चक्कर जो है वो विवाहित होती है तब चल जाता है गौरव अरोड़ा के साथ, और 10 साल बाद जब ये वापस इनकी जीवन में आते हैं तो इनके खुद की बिटिया रेने जो है वो भी उनके प्यार में गिर जाती है। अब गिरना चाहिए भी, गौरव है ही इतने हॉट। तो अब देखना ये है कि माँ बेटी एक को आदमी से प्यार कर बैठी हैं, किसका प्यार सफल होगा और किसका असफल, वो कहानी ये है। इस वेब सीरीज की खासियत ये है कि ये बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन में शूट हुआ है और साथ में इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, तो आप कहानी से हमेशा जुड़े रहते हो और प्यार मोहब्बत की जहाँ बात आती है वहाँ हमारा दिल कुछ ज्यादा ही लगता है। फिर भी इस शो का एक ठो गलती हम पकड़ लिए हैं, और हुआ यूं कि आमना शरीफ आती है पहली बार गौरव को मिलने और बर्फ में जो है बेचारी बेहाल हो रही, उनका सामान गिर रहा है, तो गौरव उनकी हेल्प करने के बजाय उनका पेंटिंग बनाना चालू कर देते हैं। तो राजा ऐसा नहीं होता है, आपको पहले महिला का हेल्प करना चाहिए, सामान वामान उठाओ फिर बोलो कि मैडम आपका ड्रॉइंग बना देगा। तो कुल मिला के हमको तो ये वेब सीरीज अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है? स्वयं विवेक से देख डालो, हम भी इस कहानी से प्रेरित होके, नहीं राजा गलत नहीं समझना, अफेयर नहीं करेंगे, हम भी सोच रहे हैं कि गुलमर्ग का टिकट कटा ले, वहाँ की बर्फीली वादियों में सेकंड हनीमून मनाएं।